भीख मांग रहे बच्चों को फ्री कोचिंग देने वाले जीआरपी सिपाही, कहानी जान आप भी करेंगे सलाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया, खबर मध्य प्रदेश से। वैसे तो सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहा है। आपने टीचर के विदाई पर बच्चों को लिपट कर रोते हुए देखा होगा, लेकिन एक ऐसा वीडियो संभवतः पहली बार वायरल हो रहा है जहां बच्चे एक सिपाही के तबादले पर सुबह सुबह कर रोए हैं। चुप जाओ। इस तरीके के रोहित है। जी हाँ, ऐसा ही वीडियो मध्य प्रदेश के उन्नाव से हो रहा है वायरल। एक सिपाही ऐसा जो जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में कर रहा था मदद, रोजाना समय निकालकर बच्चों को पढ़ाता था कोचिंग। कोकारी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते बच्चों को पढ़ाया। सिपाही का तबादला होने पर बच्चों ने दी नम आंखों से अनोखी विदाई। जीआरपी उन्नाव में तैनात थे सिपाही रोहित कुमार। ड्यूटी के दौरान रोहित कुमार ने कोकारी रेलवे स्टेशन पर बच्चों को भीख मांगते देखा। एक दो बच्चों से कहा कि ऐसा क्यों करते हो, पढ़ते क्यों नहीं। जवाब में बच्चों ने कहा कि हमें कोई पढ़ाता ही नहीं है, जिसके बाद रोहित ने इन बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। इलाके में एक कमरा लिया, उसमें बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की। रोज ड्यूटी से लौटने के बाद बच्चों को कोचिंग देने लगा। सिपाही का इस नेक काम में इलाके के लोगों ने भी साथ दिया। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। करीब 20 से 25 बच्चों की वह फ्री में कोचिंग दे रहे थे। इसी बीच उनके तबादले का आर्डर जारी हो गया। सरकार की नौकरी भी फर्ज है, इसलिए रोहित को नई जगह ज्वाइन करना था। तबादले का आखिर दिन आ गया तो सिपाही के सम्मान में सारा इलाका उमड़ पड़ा। क्या छोटे क्या बड़े, सभी उनको विदाई देने के लिए सम्मान में उनके साथ कुछ दूर पैदल चले। कोई उनका बैग थामे हुए था तो कोई ढोल नगाड़े बजाकर उनका अभिवादन कर रहा था। सिपाही के विदाई के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग सिपाही को सैल्यूट कर रहे हैं। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।